हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रिसेंटली ही मैंने एक पोल करवाया था कि बायलॉस के ऊपर वीडियोस लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो बोला था कि बायलॉस के ऊपर वीडियो आनी चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने ना यूट्यूब पर जाकर के चेक करा कि बायलॉस के ऊपर वीडियोज़ किस तरीके से बनी हुई है, तो कोई भी ऐसी मुझे पर्टिकुलर कोई वीडियो लगी नहीं कि जिसमें कि एक पूरी तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, या फिर एक जो नॉर्मल बंदा भी हो तो वो भी बायलॉस को समझ सके, प्लस जो इस फील्ड में जो स्टार्टिंग कर रहे हैं या फिर जो इस फील्ड का वो भी समझ सके। तो ऐसी मुझे कोई प्रॉपर वीडियो मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाई जाए और प्रॉपर एक अवेयरनेस दी जाए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो सारी चीज़ें बताई जाए, और इतनी ईजी लैंग्वेज में बताई जाए कि नॉर्मल बंदा भी उस चीज़ को समझ सके। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बायलॉस के ऊपर जो मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, और इसी सीरीज़ का जो है आज का ये पहला पार्ट है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि बायलॉस एक्चुअल में होते क्या हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो बिल्कुल आप एक मतलब ज़्यादा बिल्कुल दिमाग पे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। हम नॉर्मल जैसे एक मूवी देखते हैं ना, मूवी की तरह जो है इस सीरीज़ को देखिए और वीडियो को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायलॉस के बारे में। तो बायलॉस ना बेसिकली जो भी आपकी लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कंट्रोल करती हैं आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में, जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे रेजिडेंशियल हो, या फिर एजुकेशनल हो, या फिर वो मनोरंजन के लिए बन रही हो, इस तरह की कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, तो वो जो सारी जो कंट्रोल करती है, वो आपकी जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करती है, तो उसके द्वारा कुछ रूल्स होते हैं, वो जो निकालती है उन रूल्स को फॉलो करने चाहिए। अब ये रूल्स क्यों निकालती हैं? तो देखिए, कोई भी बंदा रूल्स क्यों बनाता है? रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी दूसरे बंदे को हमारे कोई काम करने की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसीलिए जैसे मान लिया, फॉर एग्जांपल, मान लिया अगर भूकंप आता है या फिर आपके घर में किसी एक घर में आग लगती है, ऐसा ना हो, ऐसा मैं प्रे करता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, या फिर आप आपके कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर कोई स्ट्रक्चर का फेलियर हो जाता है किसी भी बिल्डिंग के अंदर, तो उस बिल्डिंग में जो स्ट्रक्चर का फेलियर है, कुछ भी डैमेज होता है, कुछ भी हार्म पहुंचता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो उसके साथ वाली बिल्डिंग में या फिर किसी और बिल्डिंग में ना पड़े। तो इसीलिए जो है हमें बायलॉज जो है वो बनाए जाते हैं, और इसका जो मेन जो एम रहता है वो जो भी बंदा है उसकी सेफ्टी को, सेफ्टी का मेन पर्पस रहता है, और हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है उसको जो है वो इंश्योर करना, ये मेन जो पर्पस है हमारा बायलॉस का है। तो इसीलिए बायलॉस की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है और इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हालांकि आजकल का जो टाइम है इतना महंगा हो चुका है लैंड, तो उस कंडीशन में इन सारे रूल्स को फॉलो करना जो है वो काफ़ी हद तक मुश्किल होता है, और लोगों को लगता है कि इतनी कॉस्टली बिल्डिंग ली है तो इस चीज़ को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी बहुत लैंड वेस्ट हो जाएगी। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर आपको भी पता चल गया कि ये आप ही लोगों के लिए हैं बायलॉज, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और फॉलो करने या नहीं करने ये मैं आप ही के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम बायलॉज के रूल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। और देखिए, जो बायलॉज के जो रूल्स होते हैं वो स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होते हैं। अब जैसे कि मैं हूँ उत्तराखंड का रहने वाला, तो उत्तराखंड में काफ़ी पार्ट जो है वो हिली एरिया भी आता है, तो हिली एरियाज को ध्यान में रखते हुए जो है ये रूल्स बनाए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी आपको रूल्स बताऊंगा ये सेम रूल्स हैं वो आप अगर दिल्ली में बैठे हुए हैं, या फिर आप महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, या फिर उत्तराखंड से बाहर बैठे हुए हैं, तो वो रूल्स वहाँ पर भी अप्लाई होंगे। तो बेसिकली आसपास का जो कितना डेंसिटी है, क्या पॉपुलेशन है, इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए जो कि वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो रूल बनाती हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 160 पेजेस हैं ये, कि ये पीडीएफ है, और ये जो भी ये रूल्स रेगुलेशन होते हैं, बायलॉज होते हैं, आपको जो भी आपकी लोकल अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको मिल जाएगी। तो मैंने भी जो है ये वहीं से जा करके इसको डाउनलोड कर रहा है। तो इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो सारी चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ने बैठेंगे, और शुद्ध हिंदी है ये, तो इसमें आपका सर जो है वो घूमने वाला। तो मैं जो मेन मेन जो चीज़ें हैं अपने अपना जो मैंने पढ़ा, जो मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिया हिल, अब जैसे कि मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, देखिए लिखा हुआ है ये एरिया हिल। तो मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में काफ़ी सारा जो एरिया है वो हिली है, तो देखिए इसमें
जो है वो एरिया डिवाइड करा हुआ है बेसिकली, कि कौन कौन से एरिया को हम हिली के अंदर रखेंगे। तो देखिए इसमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर से जाने वाली। तो मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारे हैं ये हिली एरिया के अंदर रखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋषिकेश महायोजना क्षेत्र को छोड़कर। तो इसी तरीके से देहरादून में भी जो है वो इसमें लोकेशन सारी बताई हुई है कि कौन सी लोकेशन को इन्होंने हिली एरिया के अंदर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों देखिए, अब नीचे आते हैं तो अब इसमें देखिए लिखा हुआ है कि देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी तथा चंपावत जनपदों के मैदानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य के क्षेत्र को फुटहिल के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए, एक तो हो गया हमारा प्लेन एरिया, और एक हो गया हमारा पर्वतीय एरिया, और एक हो गया फुटहिल। तो फुटहिल बेसिकली जहाँ से जो आपके हिल्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ये सारे एरिया को जो फुटहिल की कैटेगरी में रखा हुआ है, और इसके जो है कुछ रूल्स भी यहाँ पे बताए हुए हैं कि फुटहिल क्षेत्रों में अधिकतम भवन की जो ऊंचाई है वो 21 मीटर तक रहेगी, जो भी आपके घर बनेंगे उनकी हाइट। दोस्तों इसके सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फुटहिल की एक और डेफिनेशन दे रखी है कि जो आपकी जो नॉर्मल जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में जो भी रोड रहेगी उससे 25% जो है वो कम चौड़ी रोड आपकी फुटहिल वाले एरिया में रहेगी। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दे रखा है कि 9 मीटर अगर चौड़ाई है तो जो आपका फुटहिल वाला एरिया है वहाँ पे 6.25 मीटर रहेगी। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट के बारे में। तो लिखा हुआ है कि फुटहिल क्षेत्रों में भवन उपविधि के शेष प्रविधान मैदानी क्षेत्रों के समान रहेंगे, मतलब बाकी जो रूल्स हैं वो सेम ही रहेंगे। ये दो जो बता दिए ये उससे डिफरेंट है, बाकी सारे रूल्स प्लेन के हिसाब से ही रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे बायलॉस के बारे में बात करी, और इसकी जो जो भी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे उसकी जो भी बेसिक बेसिक जो वहाँ पे नाम आएंगे ना, उसको अभी जो है डेफिनेशन के थ्रू जो है वो बताया जा रहा है। तो अब जैसे कि अब इसमें आप देख रहे हैं जो अगला जो पॉइंट है 2.6 का, तो इसमें लिखा हुआ है कि एरिया डेवलप्ड यानी कि विकसित क्षेत्र की परिभाषा दे रखी है यहाँ पे। तो देखिए विकसित क्षेत्र किसे बोला जा सकता है डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ आंतरिक एवं बाह्य विकास से संबंधित कुछ सुविधाओं के बारे में बता रहे हैं, कि जैसे वहाँ पे अगर रोड बन रखी है या फिर वहाँ पे पानी पहुँच रखा है, ड्रेनेज है, और जल और पानी और जो आपका एक्स्ट्रेटा होता है उसकी निकासी है, वहाँ पे बिजली पहुँच रखी है, पार्क हैं और ओपन एरिया है वहाँ पे। तो अगर इन सारी कंडीशन को अगर कोई एरिया फुलफिल कर रहा है तो उसको डेवलप्ड एरिया के अंदर हम रखेंगे, उसको हम डेवलप्ड एरिया बोलेंगे। तो मतलब आगे हम जो भी बात करेंगे अगर वहाँ पे अगर ये वर्ड यूज़ हो रहा है कि ये डेवलप्ड है या फिर ये अनडेवलप्ड है, तो डेवलप्ड का मतलब है कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर उनकी पूर्ति हो रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं 2.7 पॉइंट के बारे में, जो इसकी जो डेफिनेशन है। तो सिंपली सी बात इसमें यह है कि ऊपर जितनी भी फैसिलिटीज बताई हुई थी जो कि डेवलप्ड एरिया है, अगर वो सारी फैसिलिटीज अगर नहीं है तो उस एरिया को अनडेवलप्ड एरिया कहेंगे, सिंपल सी बात। तो इतनी शुद्ध हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इतना समझ लीजिए काफी है। अब दोस्तों बात करते हैं 2.8 पॉइंट के बारे में। तो इसमें है एट्रियम। अब एट्रियम से क्या तात्पर्य है, तो देखिए जैसे कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं तो कोर्ट हो गया, फिर एंट्रेंस हॉल हो गया, या फिर स्काई लाइट जो कि ओपन टू स्काई है, जहाँ पे कि प्रॉपर तरीके से मतलब ढक तो रखा है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे बाहर से जो लाइट है वो आ रही है। तो ऐसे एरिया की जो गणना है ना वो FAR। तो बात करते हैं कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है। तो देखिए फ्लोर एरिया रेशियो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जैसे कि मान लिया इसमें एक वैल्यू डिसाइड होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कि फ्लोर एरिया रेशियो जैसे कि 2 हो गया, 2.5 हो गया, 1.5 हो गया, तो एक वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि 2 है वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपका प्लॉट का एरिया है 1000 स्क्वायर फिट, तो 1000 स्क्वायर फिट है और उसका जो फ्लोर एरिया रेशियो है वो है 2, तो 1000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आ जाएगा 2000 स्क्वायर फीट, यानी कि आप 1000 फिट की जो बिल्डिंग है उसमें आप जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो 2000 स्क्वायर फीट ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अब चाहे वो आप 2 बिल्डिंग बना के करो, चाहे वो 3 बिल्डिंग, अगर आप 2 बिल्डिंग बनाओगे और 1000 1000 कवर करोगे तो 2000 हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लिया आप 4 फ्लोर अगर आप बनाते हो तो उसमें भी जो है आपको 2000 ही कवर करना है। अब उसमें क्या है कि अगर आप मान लिया 4 फ्लोर बनाते हो तो उसमें आपको 500 500
500 और 500, तो इस तरीके से चार फ्लोर आप बनाओगे तो वो 2000 का आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा एरिया, और बाकी 500 जो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपको फ्लोर एरिया रेशियो को जो है ये चीज़ कंसीडर करनी है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, इसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छे तरीके से वीडियो बना देंगे। तो फिलहाल अब आगे बात करते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि जो फ्लोर एरिया रेशियो में नहीं किया जाएगा परंतु पार्किंग हेतु इसकी गणना की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट की हम बात करते हैं सुपरविजन और सैंक्शन का, आपको मतलब पता ही है, इसमें हम बालकनी भी आपको पता ही है इसमें लिखा हुआ है नॉर्मली, तो वो भी है। तो इसमें बेसमेंट की जो है डेफिनेशन दे रखी है जो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कि इसमें बेसमेंट वो किसको कंसीडर करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे उसके बारे में बताया है। कि इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि बेसमेंट का जो यूज़ है वो आप पार्किंग में कर सकते हैं, स्टोरेज में कर सकते हैं, फिर यूटिलिटी हेतु आप इसको कर सकते हैं। तो ये इसमें बेसमेंट का बारे में बता रखा है। फिर उसके बाद बता रखा है कि बेसमेंट का मतलब उन्होंने बता रखा है कि जिसकी ऊंचाई कम से कम 50 उसका ऊंचाई का 50% जो भी भाग है वो लोएस्ट ग्राउंड लेवल के नीचे हो, तो उसको जो है वो बेसमेंट में कंसीडर करेंगे। सो नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है बिल्डिंग एनवलप के बारे में। तो जो सेटबैक का जो आप एरिया छोड़ेंगे उसके बाद जो भी स्पेस आपका बचेगा, तो उसमें जो भी आप रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो आप चीज़ें बनाएंगे तो वो बिल्डिंग एनवलप के अंदर आता है। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कि और आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ें मैं स्किप भी करता जा रहा हूँ, तो जो चीज़ें मेरे को लग रहा है कि आपके लिए नॉर्मल जानना ज़रूरी है मैं वही चीज़ें आपको जो है वो बताते हुए चल रहा हूँ, और कुछ चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है या फिर जो यूज़ की इतनी नहीं है। तो देखिए अब इसमें सेकेंड इसमें अब जो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं 2.14 की बिल्डिंग मल्टी स्टोरी, यानी कि अगर यहाँ पे मल्टी स्टोरी की क्या डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है, तो जो भी जो कि 3 मंजिल से ज्यादा है, 3 फ्लोर से जहां पे ज्यादा हो, या फिर उसकी जो हाइट है वो 12 मीटर से ज्यादा हो, तो इस तरीके की जो भी कैटेगरी की बिल्डिंग है उन सबको हाई राइज बिल्डिंग या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि कन्वीनियंट शॉप्स को, मतलब ऐसी शॉप्स जो कि एक प्रॉपर एक मतलब जन समुदाय यानी कि ग्रुप कि जो भी डेली नीड्स की जो भी चीज़ें हैं उसको अगर वो फुलफिल कर रही है तो उसको हम कन्वीनियंट शॉप की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे कवर्ड एरिया के बारे में बता रखा है अगला, और इसमें ये बता रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपका कवर्ड एरिया का जो एरिया होगा उसके अंदर जो है वो नहीं कंसीडर करी जाएंगी। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं बाग हो गया, राकरी हो गया, आपका कुआं हो गया, वेल या फिर कुएं से संबंधित कोई भी चीज़, वाटर पूल हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, पेड़ के चारों ओर का प्लेटफॉर्म हो गया, टैंक हो गया, फाउंडेशन बेंच, खुला चबूतरा, ड्रेनेज कलवर्ट, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वॉचमैन बूथ हो गया, आपका पंप हाउस हो गया, गार्बेज शाफ्ट, विद्युत कैबिन, बहुत सारी चीज़ें होंगी, यूटिलिटी स्ट्रक्चर, तो इन सारी चीज़ों को जो है कवर्ड एरिया के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में, जिसमें आपका गेस्ट हाउस हो गया, लॉजिंग हो गया, मोटल्स हो गया, तो ये जो है इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका जो मतलब है, मतलब जो भी आपके पर्यटक आते हैं या फिर जैसे टूरिस्ट जो भी आते हैं तो वो इसमें ठहरने के लिए आवास यानी कि जो घर है वो बनाया जाता है, रहने का जो रेजिडेंस है, तो इसमें 5 से लेकर के 20 कमरे के साथ साथ डोरमेट्री यानी जो सिर्फ सोने के लिए ही रहता है, और एक साथ डोरमेट्री में काफ़ी सारे बंदे एक साथ सो सकते हैं, और डाइनिंग हॉल व किचन उपलब्ध कराने की क्षमता हो, तो मतलब है कि रूम्स जो हैं वो 5 से 20 तक की इसमें होने चाहिए। तो ऐसे जितने भी आपके बिल्डिंग्स होंगे उनको गेस्ट हाउस की कैटेगरी में रखेंगे, और इसमें कोई भी ऐसी गतिविधि जैसे कि आपकी सामूहिक जो भी गतिविधि होती है, जैसे कि बैंकेट हॉल हो गया, आपका सेमिनार हॉल हो गया, बारात यानी जो शादी के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं, या फिर अन्य जो भी मल्टीपर्पज़ हॉल्स होते हैं, तो उस तरीके से यूज़ करने का इसमें जो है वो नहीं है, और अगर इस तरीके से यूज़ करते हैं बिल्डिंग में तो ये गैरकानूनी माना जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में, इसका नाम है हैबिटेट रूम। अब हैबिटेट रूम
आप हिंदी में पढ़ रहे हैं निवास योग्य कमरे, यानी जो सिर्फ रहने के पर्पस के लिए यूज़ होने चाहिए, जैसे कि आपका चाहे वो सोने के लिए हों, खाने के लिए हों, और तो मतलब नॉर्मली आप रहने के लिए पढ़ने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जैसे कि किचन का काम हो गया, या फिर नहाने का हो गया, वॉशरूम का हो गया, बर्तन या फिर कपड़े धोने का हो गया, या कोई भी धोने का सामान हो गया, स्टोर हो गया, कॉरिडोर, बेसमेंट, बरसाती, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए जो अभी यूज़ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल आप रहने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सोने के लिए हो, आराम करने के लिए हो, स्टडी करने के लिए हो, जैसे कि लाइब्रेरी भी आ सकती है इसमें, तो इस तरीके के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे वाली जो मैंने आपको कैटेगरी बताई, इसके अलावा आप किसी भी और तरीके से इसका यूज़ जो है वो नहीं कर सकते, तो इन सब जोन्स को जो है वो हैबिटेट रूम की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं होटल्स की डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, होटल्स में अगर मैंने जो बताया था आपको, मोटल्स की जो डेफिनेशन है वो थी 5 से लेके 20 तक के रूम्स, उसमें है तो वो मोटल्स की कैटेगरी में, और अगर 20 से अधिक कमरे हैं तो वो होटल की कैटेगरी में आता है। और इसके अंदर जो है, इसी के साथ साथ ही आपका हॉल, कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनी हॉल की व्यवस्था की जा सकती है, जो कि मोटल्स के अंदर नहीं की जा सकती। तो इसी में फिर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउसिंग के बारे में। तो देखिए, हाउसिंग को भी जो है वो कैटेगराइज करा हुआ है, इसकी भी डेफिनेशन है, जैसे कि दुर्बल आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और निम्न मध्यम आय वर्ग। तो इसमें भी बेसिकली दो तरीके से डिवाइड करा हुआ है। अगर मान लिया ग्रुप हाउसिंग बन रही है और उसमें अगर प्लॉट का जो एरिया है वो 25 से 35 वर्ग मीटर है, तो उस कंडीशन में जो है वो दुर्बल आय वर्ग की कैटेगरी में कंसीडर करा जाएगा। और इसी में ही जो है, मान लिया अगर प्लॉट की बात करें, अगर मान लिया प्लॉट कट रहा है, तो प्लॉट का अगर वो 30 से 45 वर्ग मीटर है और उसकी जो चौड़ाई है वो न्यूनतम 3 मीटर होनी चाहिए, तो ये रूल है। अगर मान लिया ये चीज़ जो है वो फाइनल हो रखी है कि ये जो एरिया है, या फिर ये ग्रुप हाउसिंग है, या फिर ये जो एरिया जो कट रहा है वो दुर्बल आय वर्ग के लोगों के लिए कट रहा है, तो उसमें आपका 30 से 45 वर्ग मीटर का प्लॉट, और अगर ग्रुप हाउसिंग हो रही है तो 25 से लेकर के 35 वर्ग मीटर के आसपास जो है वो होना चाहिए, और इसमें जो न्यूनतम जो चौड़ाई है वो 3 मीटर होनी चाहिए। तो ग्रुप हाउसिंग बेसिकली क्या होता है? तो देखिए, ग्रुप हाउसिंग कुछ नहीं होता नॉर्मली, कुछ जैसे मान लिया कुछ बंदों ने मिल करके एक कम्युनिटी बनाई और उन्होंने उसमें डिसाइड कर लिया कि ये प्रेसिडेंट बनेगा, ये इस पोजीशन पे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, फिर वो जो है गवर्नमेंट के पास जाते हैं और लैंड वहाँ से मांगते हैं, और वो जो लैंड जो है गवर्नमेंट उनको अलॉट कर देती है, फिर उस पर वो सबसे बना करके प्रॉपर जो है वो फिर जो भी खर्चा होता है तो उसको जो है वो डिवाइड करके सारी चीज़ों को फिर जो है एक लिस्ट निकालते हैं और फिर जो है वो अलॉट कर देते हैं सब घरों को। तो ऐसे में जो है घर काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, और जो जो भी मेन जो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बंदे, जिसमें कि प्रेसिडेंट हो गया और सारी चीज़ें जो बंदे उसमें सारे जो ओपन करे हुए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें ओपन करने के बाद ही जब वो आपका डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास जा करके इस चीज़ को अप्रूव्ड करवाते हैं, तो फिर वही जो है बाद में इस पूरी सोसाइटी की जो है वो टेक केयर करते हैं। तो ये बेसिकली पूरा जो है वो ग्रुप हाउसिंग का कॉन्सेप्ट है, और ऐसे में जो है घर आपको सस्ते भी पड़ते हैं बजाय कि अगर आप बिल्डर से बनवाते हैं। तो इसी तरीके से ये मैंने आपको बता दिया ग्रुप हाउसिंग के बारे में। और इसमें निम्न आय वर्ग के लिए देखिए, इसमें अगर मान लिया ग्रुप हाउसिंग बनती है तो 36 से 45 वर्ग मीटर होना होगा, और नॉर्मल जो प्लॉट है वो 46 से 60 वर्ग मीटर, और न्यूनतम जो चौड़ाई है वो 3.6 मीटर होनी चाहिए। इसी तरीके से इसमें ग्रुप हाउसिंग कि अगर हम बात करें 46 से 55 वर्ग मीटर, और अगर भूखंड है यानी कि प्लॉट है तो 61 से 75 वर्ग मीटर, और इसकी न्यूनतम चौड़ाई जो है 4.5 मीटर होनी चाहिए। और इसमें जो वर्ग मीटर दे रखा है ना, आप इसे 3.3 × 3.3 यानी कि 2 बार 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर फीट में आपका आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है, 3.28 फीट होते हैं, तो आपको, और ये स्क्वायर मीटर है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो को जो है यहीं पर ही रोकता हूँ इस पार्ट को, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और नेक्स्ट का जो पार्ट है वो नेक्स्ट का जो आगे का है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।